Assalamu alaikum class 4, this is your math teacher here. I hope you all are fine. Today we are going to do exercise 1C and question number 4, 5 and 6. In question number 4, आपने सिर्फ करना क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपने उनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, वो ये मैंने आपके साथ बताया कि ये आपके पास जो बड़ी वैल्यू, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, आप उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट. जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसको आप कहते हैं मल्टीप्लाई. और आपके पास जो एंड पे आंसर आता है उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई आपने सिंपल करना है, पहले आपने 9 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 7 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, और देन 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है. और उसके बाद जो आपका आंसर होगा उसको आप कहेंगे प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था, इस तरह से लिखा हुआ 40981 मल्टीप्लाई 624. इसको आप पढ़ेंगे कैसे, 40981 मल्टीप्लाई विद 624. आप पहले वैल्यू ये लिखेंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखे, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लिखा हुआ था, मल्टीप्लिकेंट 5829 5829 मल्टीप्लाई विद 43. आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, और इस तरह से आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. और आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आपका इस तरह से ही होगा. और आप इनको अपने असाइनमेंट्स पे करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी एंड देन चेक मी योर असाइनमेंट्स एज वेल. थैंक यू.